नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। एनटीए को वैसे तो एनटीए ने जो घोषणा की थी कि 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और इसमें जो है लगभग जो बच्चे सफल हुए हैं वो 8 लाख के आसपास सफल हुए हैं, जो कि MBBS और BDS में एडमिशन लेंगे। और यदि बात करें टॉपर्स की, तो इस बार जो है राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने जो है 720 में से 701 नंबर हासिल करके, यानी कि 99.99 से ज़्यादा परसेंटाइल ऑल इंडिया हासिल करके ऑल इंडिया रैंक 1 वो ले आए हैं। और तेलंगाना की माधुरी रेड्डी है, वो महिलाओं में टॉप किया उन्होंने। माधुरी रेड्डी को 720 में से 695 नंबर मिले हैं और माधुरी का ऑल इंडिया रैंक जो है वो 7 नंबर पे है। और इसमें देखेंगे तो कुल लगभग 15 लाख बच्चों ने जो है इसमें बैठने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए अप्लाई किया था, और 14,10,000 के आसपास बच्चे इसमें अपीयर हुए थे, और उसमें से लगभग 7,97,000 सक्सेस हुए हैं। इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा और फिर वो कहाँ उनको एडमिशन मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है, कहाँ की कट ऑफ कहाँ जा रही है, ये डिटेल पता चलेगा। बहरहाल अभी तक जो पता चला है वो महिलाओं में कौन टॉपर है और पुरुषों में कौन टॉपर है, इसके बारे में जानकारी मिली है। जैसे ही और ज़्यादा अपडेट मिलता है हम इस संबंध में आपको अवगत कराएंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।